हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको 6 मंथ में 2000% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही बैड न्यूज़ आते हुए हमें देखने को मिल रही है। दैट स्टॉक स्टार्टेड हिटिंग द लोअर सर्किट्स। जैसा कि आप देखते हैं, ये है कंपनी एलिगेंट फ्लोरी एंड एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड। इसके अगर हम 1 मंथ के रिटर्न देखें तो 150% के आसपास है। 5 डेज में भी अच्छा खासा हमें 10% के आसपास रिटर्न देखने को मिला, लेकिन आज वाले दिन अगर आप देखेंगे 1 डे में, तो यहाँ पर आपको लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है ऑफ अराउंड 8.3%। आपको मे बी यहाँ पर 4.97% देखने को मिल रहा है, लेकिन बता दो कि यहाँ पर हमें अराउंड देखने को मिल रहा है 10% के आसपास यहाँ पर डाउनफॉल हो चुका है। ठीक है, 5 डेज की अगर बात करें तो 10% के आसपास। 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखें तो जस्ट 434% के रिटर्न्स। मैक्स की चार्ट पैटर्न देखने से पता चलता है कुछ खास नहीं उसी के आसपास। दैट मीन्स कि यह स्टॉक कुछ महीने पहले, बोल सकते हैं ईयर एंड ऑफ 2021 के आसपास, जो ये 3 से 4 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, एंड 2022 में ये कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाते जो है ये स्टॉक पहुँच जाता है 55.50 रुपीज़ के आसपास। इसके ऊपर मैंने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी कि अगर आप इसे बाय किए हैं तो 15 से 20% प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लो। बट अगर आप तक वो वीडियोस नहीं गई है एंड अगर आपने उससे सेल नहीं किया है वीडियो जाने के बाद भी, तो फ्रेंड्स बता दूं कि आपका बैड टाइम स्टार्ट होता है अब से, क्योंकि यहाँ पर और भी लंबे समय के लिए लोअर सर्किट लग सकता है। एंड लोअर सर्किट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लोअर सर्किट एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर हार्डली 5% के आसपास ही जो है करेक्शन, दैट मीन्स कि डाउनफॉल होते हुए देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा और आप सेल ही नहीं कर पाओगे, या फिर आप जहाँ जो है सेलिंग ही नहीं होगा। एंड यहाँ लोअर सर्किट लगने का मतलब यही होता है कि यहाँ जो है अब आपको बायर फिर नहीं देखने को मिलेंगे। सो लोअर सर्किट में कैसे सेल किया जाए ये भी हम जानेंगे, एंड आखिर ऐसे स्टॉक्स से कैसे दूर रहा जाए ये भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर के। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे और आप समय से ऐसे स्टॉक से एग्जिट कर सकें, या फिर आपको बाय करना है या नहीं वो आप वहाँ पर 1-to-1 डिस्कस कर सकें। एंड इसके अलावा बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप पैसे सच में कहीं सेफ रखना चाहते हैं एंड उसमें आपको एटलीस्ट 12% का एनुअल रिटर्न्स मिल सके, तो बता दूं कि 12% क्लब नाम का एक एप्लीकेशन है जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से अगर आप अपना एक अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पर अगर आप 10,000 में रखते हैं तो वहाँ पर जो है आपको एनुअली 12% का रिटर्न्स मिलेगा। दैट मीन्स कि एनुअली आपको 1200 रुपये का जो है आपको रिटर्न्स मिल जाएगा, जो कि आपको किसी भी बैंक में नहीं मिलने वाला है। एंड दैट प्लेटफॉर्म इज सो सिक्योर, दैट इज 12% क्लब पावर्ड बाय द भारत पे। अब हम जानते हैं कि कैसे आप इसे सेल करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5% का डाउनफॉल, एंड आने वाले समय में आपको अगेन 5% का डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे आना होता है। सो मेरी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है 5 पैसा डीमैट अकाउंट, एंड अगर आप देखें यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रहा है कि सेलर्स यहाँ पर भर भर के हैं 30,68,0.09। दैट मीन्स कि अराउंड बोल सकते हैं मोर देन 30 लाख लोग यहाँ पर अपने शेयर्स को सेल करना चाहते हैं एट द रेट ऑफ 55.50, जो कि इसका फिलहाल ऑलमोस्ट करेंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर बायर कोई है क्या? नो फ्रेंड्स, देर इज़ नो बायर एज आई हैड डिस्कस बिफोर दिस वीडियो। मार्केट डेप्थ ये है, एंड यहाँ पर हमें कुछ खास नंबर्स नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक्स जब मार्केट जब ओपन हुआ था तो अराउंड हाईएस्ट 61 रुपीज़ के आसपास चला गया था, एंड उसके बाद गिर करके ये 55 रुपीज़ के आसपास चला गया, एंड प्रीवियसली क्लोज था 58 रुपीज़ के आसपास। दैट मीन्स कि इससे पहले इस कंपनी में कंटिन्यूसली अपर सर्किट ही लगते हुए हमें देखने को मिल रहा था। मार्केट कैप 116 करोड़ का हो गया, जो कि इतना नहीं था बिकॉज बहुत सारा पैसा यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो अब जो है यहाँ पर हमें मार्केट वैल्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला। सो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर ना सिंपली आपको 5% माइनस करना होगा फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस, एंड यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर आफ्टर मार्केट। दैट मीन्स कि जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद ही आपको ये ऑर्डर प्लेस करना होगा, एंड इसे कहा जाता है एम ऑर्डर। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में कवर करके रखा है कि कैसे लोअर सर्किट में स्टॉक्स को सेल किया जाए, बट आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए इसी वीडियो में। सो यहाँ से सिंपली जो आपको 4.97% या फिर अराउंड 5% अगर माइनस करते हैं तो उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर वो अमाउंट भी लिखना होता है। एंड अगर आपका लेट गेस अगर
5% माइनस होगा तो एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ आपको, 53 रुपीज़ होता है। एंड यहाँ से जो है सिंपली आपको सेल पर क्लिक करना होता है। एंड इसके बाद अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा येस। एंड यहाँ आपको और एक बॉक्स देखने को मिलेगा अगर आप 5Pass एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो वो जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर में ऑटोमेटिकली आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस मतलब सेटअप हो जाता है। एंड यहाँ से जो आपको सिंपली प्लेस करना होता है, सेल करना होता है। एंड जब अगले दिन मार्केट खुलेगा 9:30 बजे के आसपास, तो जब मार्केट खुलने के बाद आपने जो प्राइस यहाँ पर लिस्ट किया है, जो आपने प्राइस दिया है, अगर दोनों मैच करता है मार्केट ओपनिंग प्राइस के साथ तो आपका सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा 80% चांसेस से। एंड अगर मैच नहीं करता है तो फ्रेंड्स आपको कंटिन्यूसली ट्राई करना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप वेट करें, यहाँ जब अगेन अपर सर्किट यहाँ पर जब कोई बायर आएगा तो आप जो है उसे डायरेक्टली आप सेल कर सकते हैं। कैसे? लेट गेस यहाँ कोई बंदा आया और वो इसे बाय करना चाहता है 54 रुपीज़ में, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको जो है सिंपली क्विकली यहाँ पर 54 रुपीज़ में से लिस्ट कर देना है, सेल कर देना है। एंड अगर आप वो फर्स्ट होते हैं जो इस प्राइस को रखते हैं तो आपका स्टॉक जो है इससे एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसी के पास चल जाएगा एंड आपका सेल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं होती है फ्रेंड्स। पॉइंट ये है कि आखिर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था तो क्यों किया था और कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला था? क्या आपने रिसर्च करके इन्वेस्ट किया था या फिर किसी वीडियोस को देख करके आपने इन्वेस्ट किया था या फिर न्यूज़ को देख करके? प्लीज़ आप अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड ये भी बताएं कि आखिर आपने कितना इन्वेस्ट किया था एंड आपकी प्लानिंग क्या थी, क्या आप शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहते थे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहते थे? एंड आपका वो पैसा आपका खुद का था या फिर आपने लोन लिया था, अपने फ्रेंड से पैसा लिया था, फिर घर का पैसा था? कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो जो आइडेंटिटी है ना सबको नहीं पता चल पाएगा, बिकॉज दैट्स योर यूट्यूब आईडी। सो डोंट बी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे नहीं बट ग्रुप में मैसेज कीजिए, और उसके बाद आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू पर्सनली। अगर मैं आपको पर्सनली मैसेज करता हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे, बहुत ज़्यादा रही, तो आई विल टेक्स्ट यू पर्सनली एंड उसके बाद जो है हम लोग 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? बट आपको बता दूं कि अगर आप होप रखे हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गिरने के बाद और ऊपर जाएगा और मुझे यहाँ पर और थोड़ी बहुत बाइंग कर लेनी चाहिए, स्टेक खरीद लेनी चाहिए, तो बता दूं कि ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो इस शेयर को 58 रुपीज़ में बाई किए होंगे या फिर 55 रुपीज़ में या फिर मोर देन 50 रुपीज़ में। बता दूं कि आपने एक रॉन्ग डिसीजन लिया है इस स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें तो फ्रेंड्स ये फंडामेंटली बहुत ही वीक है, बिजनेस भी कुछ खास नहीं है कंपनी का। एंड अगर आपको डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस और वीडियो देखनी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं एली फ्लोरी एंड एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड का। नो डाउट कि ये स्टॉक जो है बहुत पहले से कंटिन्यूसली अपर सर्किट दे रहा है एंड मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी तब जब ये स्टॉक अराउंड 15 रुपये के आसपास था। एंड नो डाउट कि बोल सकते हैं मैं बहुत जल्दी बना दिया लोगों को अवेयर करने के लिए कि यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर लोग उस समय इन्वेस्ट किए होते तो शायद एटलीस्ट वो 20-25% या फिर 40% के आसपास जो रिटर्न्स कमा लेते हैं। लेकिन अगर वो बहुत लंबे समय तक के लिए वेट करते तो शायद वो उनका पैसा डूब भी सकता था एंड लूज भी कर रहे होते। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर फंस चुके हैं तो। एंड फंस क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको बायर ही नहीं मिलेगा, दैट्स वाई शायद चांसेस है कि आपका सेल एग्जीक्यूट ना हो। एंड और एक क्वेश्चन है कि आखिर ये कितना नीचे गिर सकता है, तो इसके लिए हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डेप्थ में एंड डिटेल में एनालिसिस के साथ कि आखिर ये और कितना नीचे जा सकता है। एंड इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इन शॉर्ट। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।